असी एक इशू रेज़ किया कि एडवोकेट जनरल ऑफिस के लॉ ऑफिसर्स रिजर्व कैटेगरी संबंधित उन्होंने भर्ती किया जाए, उन्होंने बनते हक दिते जाए। और उस तो बाद सरकार वालों ऐलान किया गया कि 58 पोस्टा जड़िया एडवोकेट जनरल ऑफिस के रिजर्व कैटेगरी संबंधित एससी कैटेगरी संबंधित वो दित्तियां जाणगियां। और बड़े फैनफेयर दे नाल ऐलान किया गया। साडे मानयोग फाइनांस मिनिस्टर साहब अज आए नहीं और उन्होंने करीब 10 साथियों के नाल 2 कैबिनेट मिनिस्टर ते 8 MLA साहबान दे नाल एक बहुत वड्डी प्रैस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रैस कॉन्फ्रेंस विच कहा कि बाबा साहब तेरा सपना अधूरा केजरीवाल ते भगवंत मान करनगे पूरा। ते बड़ा अफसोस है कि अज उस एडवरटीजमेंट नू करीब 6 महीने तो ज़्यादा का समा बीत चुका है और उस केसिस दे विच उन्हां केसिस दे विच अपॉइंटमेंट लैटर नहीं इशू होए। और इस दे विपरीत जिहड़ी एडवरटीजमेंट जनरल कैटेगरी संबंधित नवंबर लास्ट दे विच आई उन्हां नूं अपॉइंटमेंट लैटर इशू भी कर दिते गए ने। सो मैं आप जी राही मुख्यमंत्री साहब नूं ते फाइनांस मिनिस्टर साहब नूं जिहड़े जदों LOP हुंदे सी ते बड़े जोश दे नाल मुद्दे उठाया करते सी, 85वीं सोध की गल करते सी, दलित इशूज ते गल करते सी, दलित अत्याचार ते गल करते सी। सर एक मिनट, अज उन्हां दे जिले दे विच मैं पंजाब की गल तो बाद च करूँगा, सब तो ज़्यादा दलित अत्याचार हो रहा। और सर मैं आप जी राही यह कहना चाहना कि जिहड़ी फैनफेयर दे नाल यह अनाउंस किया कि असीं 58 पोस्टां अपॉइंटमेंट लैटर इशू करांगे, वो मैं बेनती करनी चाहता सरकार नूं, वो जल्द तो जल्द इशू कीतियां जाण। और सरकार जिहड़ी है वो हाई कोर्ट दे विच केस लगा होया, सरकार ये वेट कर रही भी कदों सानूं स्टे मिले ते कदों असीं वो मनाही करिए। सो बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ध्यान दवाओ नोट्स। सरदार गुरदेव सिंह सेखों। मैं आप जी दे ध्यान च लिआउणा चाहुंदा कि बहुत सारियां त्रुटियां पटवारियां वल्लों जदों असीं इंतकाल करदे आं, तुसीं पढ़दे हो जी, मैं सरकार दे तां ध्यान लोक हित महत्ता दे एक जरूरी मसले वल दौणा चाहुंदा हाँ। अर्थात अक्सर देखा जाता है कि माल पटवारी वालों जब 4 साल बाद रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो उस विच कुछ गलतियां जाने अनजाने हो जांदियां, संबंधित पब्लिक नूं लोड़ पैण ते पता लगता है कि जो इंदराज पटवारी दे रिकॉर्ड विच दर्ज है उस विच उसदे नाम पिता का नाम गलत है, उसदे बेटे का नाम गलत है, रकबे विच वाधा घाटा हो गया है आदि आदि। इन्हां इतराजां नूं ठीक कराउण लई लोकां नूं खज्जल खुआर होना पैंदा है जी। सुझाव दिता जांदा है कि अजिहे केसां विच इंदराज दुरुस्ती नूं समाबंध किया जाए और इंदराज 2 दिन दे विच विच दुरुस्त करन दीआं हदायतां जारी कीतीआं जाण तां जो लोकां नूं हो रही खज्जल खुआरी तों बचाया जा सके। मामले की प्रतिक्रिया अंत महत्ता के मद्देनज़र संबंधित मंत्री जी सदन विच बयान देने की खेचल कर। जिम्पा जी, बहुत ही मानयोग स्पीकर साहब, तुहाडे राही मैं MLA साहब गुरदित जी नूं दसना चाहना कि इन्होंने जिहड़ा क्वेश्चन किया बिल्कुल ठीक है। इहदे विच कई वारी देखा जाता कि संबंधित इलाके दे पटवारी जिहड़े हैगे आ कुछ केसां दे विच जाण बुझ के भी ये काम करते हैं, लेकिन मैं मैंबर साहबान नूं अश्योर करदा कि कोई भी जिहड़ा इदां दा केस जिहड़ा है वो जिथे जिले दे डिप्टी कमिश्नर नूं जां ओह जिहड़ी कंप्लेंट तुरंत साडे को आंदी है वो संबंधित पटवारी नूं बुला के उत्थे पुछिया जांदा है और डिप्टी कमिश्नर नूं ऑर्डर दिए गए हैं डिपार्टमेंट वालों कि इदां दे केस नूं तुरंत मद्देनज़र रखदिआं जिन्ना यह गल हुई है सहायता की जाए। और ये मानयोग स्पीकर साहब, पंजाब लैंड रिकॉर्ड मैनुअल दे पहला नंबर
7.29 अनुसार उपबंध है, जिस राही जमाबंदी विच इंदराज दुरुस्त करन संबंधी फर्द बदर अनुसार दुरुस्ती की जाती है। इस संबंधी हिदायतां मुड़ दोहराईयां दित्तियां जाणगियां। लेकिन असी पोर्टल ते एक नंबर भी हुण जारी किया, एक असी वट्सएप नंबर भी जल्द जारी कर रहे हैं, एक या दो दिन दे विच ही, जिहदे विच कोई इदां दे केस जिन्ने भी होऊगे और सीधे उन्हूं साडे महकमे दे जिथे डिप्टी कमिश्नर भी उत्थे लगता है उन्हूं डिले मिलती है, उन्हूं FCR साहब की टीम जिहड़ी है खुद उत्ते फैसला लाऊगी। जिहड़ा पटवारी गलती करदा होना तो यही चाहिए जिन्हें गलती की उ ठीक कर सके, क्योंकि बहुती बारी कनगो को फिर तहसीलदार को SDM साहब DC साहब तक या FCR साहब तक भी ये मसले पहुँचते, ये ना तो समय की बर्बादी होंगी है। जिहड़े बंदे तो गलती हुई है वो आपदी उत्थे रपट दर्ज करे और नाल दी नाल जिहड़ा अपना उहदा मसला हल हो जाए। और इन्हां कम्मां दे विच कई लोग आ जिहड़े जां काफ़ी लंबे समय दसदा 15-15 साल तो भी कचहरियां दे गेड़े कढ रहे, जिहदे नाल उहनां समां वी बर्बाद हुंदा ते जिहड़ा साडा सरकार दा वी अक्स उहदे नाल खराब हुंदा। थैंक यू।